और अब बात होगी मार्केट की। आज मार्केट की स्थिति क्या कुछ रहने वाली। दरअसल आईएमएफ ने भारत की जीडीपी फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए बढ़ाकर 6.8 का प्रिडिक्ट किया है। आईएमएफ ने पूरी दुनिया की जीडीपी ग्रोथ प्रिडिक्शन मात्र 3.2% की है। अमेरिका क्रूड ऑयल के दाम गिर गए हैं। आईएमएफ ने भारत की जीडीपी प्रिडिक्शन की है पूरी दुनिया से डबल और ज्यादा तेजी से बढ़ेगी भारत की जीडीपी। ये प्रिडिक्शन किया हुआ है आईएमएफ ने भारत की जीडीपी को लेकर कि पूरी दुनिया से डबल ज्यादा तेजी से ग्रोथ होगी। इसी बीच मार्केट एक्सपर्ट हैं आकाश जिंदल जी जुड़ चुके हैं मेरे साथ। बहुत स्वागत सर आपका भारत 24 पर। और इस पर हम चर्चा इसके पहले भी कई बार कर चुके हैं जीडीपी को लेकर, और वही कुछ प्रिडिक्शन एक बार फिर आईएमएफ ने किया है कि जो जीडीपी प्रिडिक्शन है वो पूरी दुनिया से डबल ज्यादा तेजी के साथ भारत की बढ़ेगी। बिल्कुल सही कहा आपने पलक। जीडीपी ग्रोथ की जो प्रिडिक्शन की गई है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की, वो है पूरे ग्लोब के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए मात्र 3.2% की, और हिंदुस्तान के लिए 6.8% की, यानी पूरे वर्ल्ड की जो जीडीपी ग्रोथ है उससे डबल स्पीड से हिंदुस्तान की जीडीपी बढ़ने की संभावना। ना सिर्फ ये, हिंदुस्तान आज 4th-5th बिगेस्ट इकोनॉमी है। हमसे बड़ी चारों इकोनॉमी अमेरिका, चाइना, जर्मनी, जापान, इनकी जीडीपी ग्रोथ जो है, इनकी जीडीपी ग्रोथ का परसेंटेज जो है हिंदुस्तान से काफी कम होने की संभावना। इसके पीछे जो कारण बताए गए हैं, हिंदुस्तान की कंजम्पशन और स्ट्रेंथ, जो लगातार बार बार आपके शो में मेरे बात की है कि हिंदुस्तान की कंजम्पशन और स्ट्रेंथ, हिंदुस्तान की जो डिमांड है वो हिंदुस्तान की इकोनॉमी को एक बहुत मेजर बूस्ट दे रही है। साथ ही साथ दूसरा ये है कि यहाँ की जो फेवरेबल वर्किंग एज है, क्योंकि इंडिया इज गेटिंग यंग, यहाँ यंग लोग ज्यादा है तो ज्यादातर लोग वर्किंग एज में है, वो हिंदुस्तान को जो है कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रही है। तो क्लियरली दिख रहा है कि हिंदुस्तान दुनिया के मुकाबले बहुत तेजी से बढ़ने की संभावना रखता है। इसका मतलब ये भी है जब हिंदुस्तान बाकी इकोनॉमी के मुकाबले कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ेगा तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी हिंदुस्तान में ज्यादा आनी, FDI ज्यादा आएगी तो हिंदुस्तान में रोजगार ज्यादा देगी। FDI का मतलब है बहुत सी फैक्ट्रियां लगेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, तो वहां रोजगार जो है जनरेट होने की संभावना है। ये मेरा पर्सनल व्यू है। मेरा पर्सनल व्यू ये है, इसका मतलब जो इसका कंक्लूजन इससे जो मेरा पर्सनल व्यू निकलता है वो ये है कि हिंदुस्तान FDI और FPI ज्यादा आने की संभावना है, हिंदुस्तान में रोजगार की अपॉर्चुनिटी ज्यादा पैदा होंगी, और हिंदुस्तान की इकोनॉमी की रेजिलियंस, हिंदुस्तान की इकोनॉमी की इनहेरेंट स्ट्रेंथ क्लियरली दिखा रहा है। लेकिन आकाश जी, हमने पिछले दिन देखा कैसे जो शेयर मार्केट में गिरावट दर्ज की गई, तो बड़ा सवाल ये है कि क्या जो गिरावट है वो कम होगी, क्या वो थमेगी, और दूसरा बड़ा सवाल कि ग्लोबल संकेत फिलहाल क्या कुछ कह रहे हैं इसको लेकर। आपने बड़ी रेलिवेंट बात की। देखिए ग्लोबल संकेत, ये जो गिरावट पिछले हफ्ते आई है वो प्राइमरीली जो है ब्रॉडर इंडस्ट्रीज की बात करें ग्लोबल रीजन की वजह से है, क्योंकि ईरान इसराइल का जो डिस्प्यूट हुआ, ईरान ने इसराइल पे अटैक किया, उसके बाद दुनिया वेट कर रही थी कि इसराइल रिटेलिएट करेगा, अभी तक वो संभावनाएं बनी हुई हैं। तो क्योंकि ऑलरेडी कहीं ना कहीं वॉर चल रही थी, रशिया यूक्रेन वॉर चल रही थी, इसराइल हमास युद्ध चल रहा था, जिसकी वजह से ग्लोबल इकॉनमी को काफी झटका लगा। अमेरिका जैसी इकॉनमी आज भी 3.5% इन्फ्लेशन दिखा रही है, दुनिया भर में स्लो डाउन है, रशिया यूक्रेन वॉर, अब इसराइल हमास युद्ध की वजह से, अब अगर ईरान इसराइल कॉन्फ्लिक्ट में अगर शुरू हो जाता है, अभी तक तो जो है एक ही कार्रवाई हुई है, उसके बाद कोई रिटेलिएशन हमने देखी नहीं है, अगर वो फुल फ्लेज वॉर में तब्दील हो जाती है तो जाहिर सी बात है ग्लोबल इकोनॉमी की दिक्कत है, वही घबराहट हिंदुस्तान में दिख रही थी। तो हिंदुस्तान की जो इकोनॉमी और मार्केट की जो घबराहट थी वो ग्लोबल रीजन की वजह से थी, डोमेस्टिक रीजन की वजह से थी, क्योंकि आकाश जी टिकी भी हुई। बहुत विस्तार से आपने जानकारी दी, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।